दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर नीलकंठ महादेव से इसके चाहते हुए। दोस्तों, रास्ते में लंगूर मिले हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अक्सर जीवों को लोग बाग डरा करते हैं इनसे, लेकिन दोस्तों ये कितने फ्रेंडली होते हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, देखते हैं क्या रहता है। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं इनके पास, देखते हैं कुछ खास चीज़ें। दोस्तों, आप देख रहे होंगे सामने की तरफ आपको लंगूर दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक लंगूर सामने ही बैठा हुआ है। दोस्तों, हम इसके पास चलते हैं, जानते हैं तो कुछ खास इसके बारे में। दोस्तों, ज़्यादा क्लोज ना जाते हुए मैं इससे एक बार हाथ मिलाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। दोस्तों, ये शायद रुक नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों सामान देख करके ये रुक जाते हैं। दोस्तों, ये मेरे कुछ दोस्त हैं, इन्होंने कुछ सामान लिया है, चले अभी भूखे हैं ना ये, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ पानी ये लो देख लिए, जय हो भोलेनाथ शिव शंभु महादेव। दोस्तों, देख सकते हैं आप मेरे ऊपर आकर के बैठ गए हैं, आशीर्वाद दे दिया है मुझको। वीडियो बना लो। दोस्तों, आप देख सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, दिखाइए ऐसे तुम्हारा वीडियो चालू है, ये देखो। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे कंधे पर जो लंगूर बैठे हुए हैं। दोस्तों, कभी कभी देखने के लिए मिलता है। दोस्तों स्वयं नहीं, दोस्तों आप देख सकते हैं, अब मैं इनको खिला दे, तू भी उतारता हूँ। दोस्तों, आप करवा सकते हो, तुम खिला दो, आप हाथ लगा दो पहले। अरे मैं खिला दूंगा, तू हाथ लगा दो। दोस्तों, आप देख सकते हैं इनको ये चाहिए तो मेरे हाथ में थोड़ा सा दे दीजिए, ठीक है। दोस्तों, इनको गुस्सा आने पर ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं, तो दोस्तों मैं इनको इन बेचारे को तो खिला दो। दोस्तों, तेरे सिर पे बैठा हुआ है गौरव, दे दो एक, दे दो, चलो तुम जाओ। दोस्तों, देख सकते हैं आप, पैकेट लेने के बाद स्वयं ही ये उतर चुका है। दोस्तों, मैं भी काफ़ी घबरा गया था, मैं भी आप ही की तरह ह्यूमन हूँ दोस्तों, तो मुझको भी डर लगता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने सारे ये बैठे हुए हैं, ये भी कुदरत की ही माया है। दोस्तों, ये हमसे फ्रेंडली नेचर रखते हैं। दोस्तों, ये उम्मीद रखते हैं कि हम जब यहाँ पर आएंगे तो इनको कुछ खाने के लिए देंगे। दोस्तों, इसीलिए ये हमारे पास आते हैं। दोस्तों, वैसे मैं हैंड शेक करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कह नहीं सकता। दोस्तों, मैं चाहता हूँ, जय भोलेनाथ शिव शंभु महादेव, भोले शंकर की नगरी में ये डरते हैं कभी कभार। दोस्तों, तो फिर दोस्तों कुछ सामान होता तो मैं इनको देता। दोस्तों, अभी ये जल्दी में है तो शायद ये हैंडशेक करने के लिए नहीं तैयार हैं। दोस्तों, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लंगूर हाथ भी मिलाया करते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी भावना सच्ची है तो आपको नीलकंठ महादेव घूमने जाते हुए अक्सर लंगूर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, आप इनको बिस्किट या जैसे भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली चने चिनोरी जो मीठी होती हैं, दोस्तों ये इसको काफ़ी पसंद करते हैं। बैठे हुए हैं, आप अपनी एक तरीके से श्रद्धा भी निभा सकते हैं। दोस्तों, ये बेजुबान जानवर हैं, आप इनको कुछ खाने के लिए देंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सामने से लंगूर हैं, इन्हें कैसे अपने बच्चों को बिठाया हुआ है, तो इनके अंदर भी वही ममता है जो हम इंसानों में होती है। दोस्तों, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ये कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दोस्तों, एक खासियत इनकी एक और होती है। दोस्तों, ये बंदरों की तरह बिल्कुल भी इंसान से चिढ़ते नहीं हैं। दोस्तों, चिढ़ते बंदर भी नहीं हैं मगर हमको लगता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। दोस्तों, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, इनसे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी आप पर बिना कोई वजह अटैक नहीं करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भैया बैठे हुए हैं, तो ये भैया इनकी सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, कितने धर्म का ये काम कर रहे हैं भैया, कि दिन में यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सब इनको चने खिलाते हैं, इनका भी पेट भरता है और भैया इनके लिए सारा इंतजाम करके लाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे लंगूर हैं। तो दोस्तों, ये आप इस रास्ते में आपको कहीं भी ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, मैं भी काफ़ी घबरा गया था जब ये मेरे सिर पर चढ़ कर बैठ गए थे, तो दोस्तों मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह, मुझको भी डर लगता है कभी कभी। तो दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, मैंने पहले भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, इतनी सारी संख्या होने के बावजूद भी। दोस्तों, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथी भोला भी आराम से खड़े हैं। तो दोस्तों, ये हमसे
हम पर अटैक नहीं करते, ये हमसे कुछ मदद मांगते हैं। तो दोस्तों हमें इनकी भावनाओं को समझना चाहिए, और जब कभी मुमकिन हो दोस्तों ऐसे हर एक जानवर की हमें मदद करनी चाहिए जिसकी हम मदद कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा है। दोस्तों आप सब कुछ जानते हैं, तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए मैं आपका दोस्त सौरभ चौधरी फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने कोई नई चीज़, कोई नई जगह। तो आज हम नीलकंठ महादेव से उतर के आ रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, और ये रास्ता है इधर की तरफ जिधर ये सामने लंगूर बैठे हम जाएंगे, और ये पीछे की तरफ इधर से हम उतर के आ रहे थे, तो शायद हम पहुँच चुके हैं हाईवे के पास ही, और बाकी पता चलेगा चलने के बाद। दोस्तों कुछ खास इंटरेस्टिंग आगे होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं एक बार और ट्राई करके कि शायद ये हैंड शेक मेरे से कर ले। दोस्तों अक्सर ये काफ़ी फ्रेंडली हुआ करते हैं। दोस्तों मैं इनके आगे हाँ दोस्तों आप देखेंगे मैंने इसकी तरफ हैंड शेक कर दिया है। तो दोस्तों अब ये वो नहीं है, तो कुछ हो हाथ में तो कर ले, ऐसे मत कर। उस दिन भी तो ये घुड़की मार दी थी पिछली बार। दोस्तों लोगों के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ये हाथ भी मिलाते हैं। दोस्तों तो अच्छा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। ओके जय भोले।